दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के न्यू सिलेबस 2024-25 के बारे में। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में BTUP बोर्ड की तरफ से 2024-25 में सब्जेक्ट एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हुए लेटेस्ट अपडेट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट का स्टडी करना होगा, कौन कौन से नए सब्जेक्ट को इस बार शामिल किया गया है और कौन कौन सा सब्जेक्ट को आपको इस बार नहीं पढ़ना होगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें ताकि आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर नंबर को गेन कर सकें और कौन कौन सा सब्जेक्ट का कितने कितने नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा होता है, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में टोटल आपको इस बार न्यू सेशन में कितने सब्जेक्ट का स्टडी करना होगा। तो दोस्तों डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में टोटल आपको इस बार न्यू सेशन 2024-25 में टोटल आपको इस बार 7 सब्जेक्ट का स्टडी करना होगा, जिस सब्जेक्ट का नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है आप देख सकते हैं। इन सारे सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट का रिटन एग्जाम होता है, कुछ का ओनली प्रैक्टिकल होता है और कुछ सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और रिटन दोनों कराए जाते हैं। तो आइए दोस्तों इन सारे सब्जेक्ट को एक एक करके देखते हैं, जिसमें नंबर वन पे जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, इसे शॉर्टकट में CS सेकंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने पिछले सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट को पढ़ा था, सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड को पढ़ना होगा। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटन एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को नंबर टू पे जो सब्जेक्ट स्टडी करना होगा वह है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे शॉर्टकट में DMS के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाते हैं, इसमें आपको डाटाबेस को कैसे मैनेजमेंट करते हैं इसके बारे में सिखाया जाता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटन एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को नंबर तीन पर जो सब्जेक्ट स्टडी करना होगा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे शॉर्टकट में OS के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाते हैं, इसमें आपको सिस्टम को ऑपरेट करने के बारे में सिखाया जाता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। और दोस्तों इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटन एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को नंबर चार पे जो सब्जेक्ट स्टडी करना होगा वो है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, इसे शॉर्टकट में ECDM के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, इसमें आपको ई कॉमर्स के बारे में स्टडी कराया जाता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। और दोस्तों इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटन एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों आपको ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग का भी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को नंबर पांच पे जो सब्जेक्ट स्टडी करना होगा वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, इसमें आपको क्या पढ़ाए जाते हैं, इसमें आपको प्रोग्रामिंग करना, डाटा एंट्री करना, इसमें आपको प्रोग्रामिंग के बारे में फुल स्टडी कराया जाता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटन एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा का भी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे
भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को नंबर पांच पे जो सब्जेक्ट स्टडी करना होगा वो है एनर्जी कंजर्वेशन, इसे शॉर्टकट में इसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाए जाते हैं, इसमें आपको एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करने के बारे में सिखाया जाता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। और दोस्तों इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटन एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों आपको एनर्जी कंजर्वेशन का बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। के बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो स्टडी करना होगा वो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, इसे शॉर्टकट में UHV के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाए जाते हैं, इसमें आपको ह्यूमन वैल्यूज के बारे में स्टडी कराए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें 50 नंबर का इसमें आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है और 50 नंबर का इसमें आपका रिटन एग्जाम कराए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराया जाता है। और दोस्तों आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का भी बुक सार्थक या एशियन पब्लिकेशन की लेनी है अगर अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये टोटल आपको 7 सब्जेक्ट का स्टडी करना होगा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को न्यू सेशन 2024-25 में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।